फिर से सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। और हम लोग आज यहाँ पर फिर से दानी पब्लिक स्कूल में फिर से हैं ये बताने के लिए कि आज हमारे बीच एक ऐसा बच्चा यहाँ पर आया है जिसने मैट्रिक का एग्जामिनेशन प्रथम श्रेणी से पास किया है। उस बच्चे का नाम है तुषार कुमार मांझी और अभी कुछ देर में हम उस बच्चे का परिचय आपसे कराने जा रहे हैं। ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि इस बच्चे ने यहाँ एडमिशन लिया था क्लास नर्सरी में और नर्सरी से पढ़ते हुए ये बच्चा क्लास 10 तक पहुँचा और इसने अपने पेरेंट्स का मान, अपने स्कूल का नाम और अपने मम्मी पापा का बहुत मान बढ़ाया है। इसने करीब करीब 75% मार्क्स हासिल किया और स्कूल बहुत घमंड करता है इस बच्चे से क्योंकि इसका परसेंटेज अच्छा है, इसने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है और हम काफ़ी खुश हैं कि ऐसे बच्चे ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया, वैसा बच्चा जो क्लास नर्सरी से पढ़ते हुए क्लास 10 तक आया है। हम परिचय कराना चाहेंगे तुषार कुमार मांझी से और तुषार प्लीज कम। आज हम लोगों को बहुत खुशी है कि इस बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। तुषार तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्लास नर्सरी में यहाँ पर आए थे, बहुत छोटे थे जब तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर हुआ था, आज क्लास 10th का एग्जामिनेशन तो पास कर गए हो और तुम्हारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। तुम्हारे नाना जी जो तुमको बचपन से तुमको गोद में खिलाकर तुमको बड़ा किया, तुम अपने नाना जी के यहाँ बचपन से रहते थे और कैसा तुमको फीलिंग कैसा हुआ जब तुम्हारा रिजल्ट तुमने देखा? रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले आया कि फिर अब कहाँ आगे क्या करना है, सबसे बात हुआ, रिजल्ट से थोड़ा सा नाखुश हुआ, इससे और अच्छा करने का कोशिश था जो नहीं हुआ, बट आगे और अच्छा करने का कोशिश है। और जो जितना 13 साल मैंने इस स्कूल में बिताया, काफ़ी सारा दिन बहुत अच्छा था, जो पनिशमेंट, अच्छी यादें, अब जो भी पनिशमेंट जो एक टाइम में बुरा लगता था वो सारी यादें अब बहुत अच्छी लगती है। आपकी शाबाशी और आपने जो भी मुझे जितना आगे बढ़ाने के लिए बोला, जितना डांटा, जितना अच्छे से मुझे शाबाशी दिया और मुझे आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू तो नहीं, लेकिन अब थैंक यू बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, बस बहुत आभार है आप इस स्कूल के लिए। मैं आगे जो भी कर सकता हूँ करूँगा, इस स्कूल का नाम आगे भी बताऊँगा जहाँ पे आगे जा रहा हूँ मैं कॉलेज में, और इस स्कूल को जितना ज़्यादा प्राउड फील करा सकता हूँ प्राउड फील कराऊँगा। और इस स्कूल से मुझे बहुत कुछ मिला, सो ये मेरे लिए अब एक घर है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है और आगे भी मैं यहाँ आता रहूँगा आप लोगों से मिलने, आप लोगों का आशीर्वाद लेने। तुषार, हर बच्चे से इस बारे में पूछता हूँ, कोई खास एक मेमोरी तुम्हारे दिमाग में ऐसा है स्कूल का जिसको कि तुम कभी शायद नहीं भूलना चाहोगे, ऐसा कौन सा मेमोरी है, ऐसी कौन सी याद है तुम्हारे मन में? सर वैसे तो यादें बहुत सारी हैं लेकिन याद बस कुछ अच्छे पल रह जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था सर जब आप मुझे इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लास में, जब मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आता था फिर भी आप मुझे और अच्छे से करने के लिए बोलते थे और गलती हो जाता था तो भी डांटते नहीं थे, उससे मुझे बता देते कि ये गलती है अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस टाइम बहुत अच्छा लगता था। अब जब से इंग्लिश तुम फर्राटे से बोल लेते हो, एंकरिंग तुम पूजा के साथ बहुत अच्छे ढंग से तुमने पिछले 4 साल लगातार किया है एंकरिंग, हम आगे भी तुमको बुलाएंगे 2022 में एंकरिंग करने के लिए स्कूल में, तो तुम 4 साल एंकरिंग किए, इंग्लिश तुम बहुत अच्छे से बोलते हो, तुमको कैसा लगता है जब तुम इंग्लिश किसी के सामने बहुत अच्छे ढंग से बोल लेते हो, तो तुमको क्या महसूस होता है? सर एक अलग टाइप से कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मेरे सर ने जो मुझे सिखाया आज मैं उसे अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है। और इंग्लिश एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है जो कि हमें आनी चाहिए और जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और सभी टीचर्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच ऑल द टीचर्स मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। हमेशा जब तुषार से हम मिलते हैं तो हमको विशाल का एक चेहरा इसमें नज़र आता है, विशाल जो तुमसे सीनियर है और विशाल जो हमेशा स्कूल में आता है, हम लोगों का बहुत चहेता स्टूडेंट है, लेकिन क्लास में भी जब हम तुषार को देखते हैं तो हमको विशाल का एक चेहरा नजर आता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, तुम लोग दोनों का घर आमने सामने में है और बहुत चहेते स्टूडेंट तुम रहे हो दानी पब्लिक स्कूल के,
तो विशाल को जब विशाल चला गया और जब तुमको हम क्लास में देखते थे तो हमको लगता है विशाल ही जूनियर विशाल बैठा हुआ है। ये आज हम सबके सामने बता रहे हैं कि जब भी तुमको देखे तब हमको विशाल की बहुत याद आती थी, तो कभी विशाल का चेहरा मिस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जब तुम लोग यहाँ से मतलब चले जा रहे हो या चले गए तो काफ़ी मतलब अजीब तरह का स्कूल में माहौल हम लोगों को लगा। लेकिन एक शुभकामना जरूर देना चाहेंगे कि जो जो तैयारी तुमने की, जो प्रयास तुमने किया और प्रथम श्रेणी से तुम पास हुए, अभी तो रास्ता बन रहा है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, लेकिन एक ही चीज़ है, कहानी का निष्कर्ष बस यही है कि हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत हराने वाले बहुत मिलते हैं कि तुम डिप्रेस हो जाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, लेकिन नहीं, ये कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि तुम्हारे टीचर ने जो विश्वास तुम्हारे ऊपर किया, तुम्हारे मम्मी पापा ने जो विश्वास किया, तुम्हारे नाना जी ने जो विश्वास किया, तुम्हारे स्कूल ने जो विश्वास किया कि हम ये काम कर सकते हैं और हम करेंगे और हम सबका मान बढ़ाएंगे, ये चीज़ तुमको करना है, हिम्मत नहीं हारना है। यस सर, जैसे तुम्हारे बड़े सर हमेशा कहते थे कि हिम्मत नहीं हारना है और संघर्ष करना है, सारी जिंदगी संघर्ष करना है और हार कर जीतना है, हारना नहीं है, जीतना है उसमें से। Yes, तो हार से अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीजें तुम सीखोगे आने वाले समय में, लेकिन यही बस मूल मंत्र है कि हिम्मत नहीं हारना है, हमेशा संघर्ष करना है और आगे बढ़ते जाना है। दुनिया कुछ बोले, बहुत सारे लोग तुमको गलत डायरेक्शन देंगे, बहुत सारे लोग गलत बातें बताएंगे, उसमें सही जानकारी तुमको लेनी है कि कौन सा बात सही है, ये बात सही है या ये बात सही है। और जब तुम सही का निर्णय करना सीख जाओगे तो तुमको जिंदगी में कोई नहीं हरा पाएगा, तुम बिल्कुल नंबर वन होगे वहां जाके। तुम्हारा एक प्राइस बाकी है दानी पब्लिक स्कूल की ओर से, एक प्यारा सा तुम्हारे लिए, जब तुम इस ट्रॉफी को देखो तुमको इसमें दानी पब्लिक स्कूल का पूरा चेहरा नजर आ जाए। और आज बहुत खुशी है कि तुमको ये प्राइस स्कूल की तरफ से दिया जा रहा है। तो शायद अंत में बस यही है स्कूल की तरफ से कि तुम हमेशा सही रास्ते पे जाओ, सही अच्छा करो। बेसिकली सारे लोगों की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है और हम लोग तुमको एक बहुत अच्छी जगह देखना चाहते हैं, चाहे तुम बिजनेस में अच्छा करो, चाहे किसी सरकारी नौकरी में जाओ, लेकिन दुआ बस यही है कि तुम हमेशा अच्छा करो और देश के एक सफल नागरिक बनो और अच्छे इंसान बनो। बस यही शुभकामनाएं है तुम्हारे लिए और हम लोग को कभी मत भूलो सर, बस आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए, हम लोग का आशीर्वाद हमेशा साथ में रहेगा। एनुअल डे के बारे में हम कहेंगे विशाल, तुम विशाल जूनियर विशाल तुम दो लाइन बोलो एनुअल डे के बारे में, क्या बोलना चाहते हो एनुअल डे के बारे में, हम लोग का जो तुम उसमें काफ़ी एक्टिव रहते हो। सर एनुअल डे एक बहुत ही अच्छा दिन है हम लोग के लिए, हम लोग ऐसे बर्थडे हम अपने स्कूल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही साथ सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने हुनर को दिखाने के लिए, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो या फिर एंकरिंग करना हो, स्पीच देना हो, हम अपने आप को और अच्छे से निखार पाते हैं, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। साल भर का सबसे अच्छा दिन एनुअल फंक्शन, तो जब भी होगा और स्कूल में मैं ज़रूर आऊँगा उसमें। चलिए फिर हम लोग आज यहीं प्रण करते हैं तुषार को उसके उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे स्कूल की ओर से, सारे टीचर्स की ओर से, सबकी ओर से बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से अच्छा रिजल्ट करना है ताकि हम लोग फख्र से बोलें कि यस, हमने तुषार को पढ़ाया है, वो हमारा स्टूडेंट है। थैंक यू।